ओम शांति। तो इस मुरली में बाबा ने अपने पुराने संस्कारों को समाप्त कैसे करें, इसकी बहुत सुंदर विधि बताई है। क्योंकि ये जो पुराने संस्कार हैं, ये ब्राह्मण आत्माओं को कई बार बहुत तंग करते हैं, पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न रूप बन जाते हैं, और कई तरह की परीक्षाओं से तो आत्माएं पास हो जाती हैं, लेकिन पुराने संस्कारों की जो परीक्षा है या जो माया है या पेपर है, कई बार आत्माएं इसमें ही फंस जाती हैं। मन अपने पुराने संस्कार ही इतना तंग करते हैं जो पुरुषार्थ में रुकावट ले आते हैं। तो पुराने संस्कारों को समाप्त कैसे करें, वैसे तो बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि अपने आदि और अनादि संस्कारों को इमर्ज करो, क्योंकि वास्तव में आत्मा के जो संस्कार हैं वो बहुत प्योर हैं, बहुत शुद्ध हैं। तो इसलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि आप बच्चों के जो संस्कार थे आदि, कितने देवताई संस्कार थे, सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद, ये सारे संस्कार आत्माओं के अंदर कितने थे, भरपूर थे आत्माएं आदि काल में, और अनादि के संस्कार भी कितने शुद्ध पवित्र थे। तो बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने आदि और अनादि संस्कारों को इमर्ज करो। और इस मुरली में बाबा ने पुराने संस्कारों को समाप्त करने की एक और बहुत सुंदर विधि बताई है। बाबा कहते, जैसे कोई मर जाता है तो उसको अपना पिछला जन्म सारा भूल जाता है, अपनी देह मित्र संबंधी पुराने दुनिया से मर जीवा हो जाते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है। उसी प्रकार बाबा कहते, इस जन्म में भी जीते जी मर जीवा बन जाओ, जीते जी मर जाओ। तो अगर जीते जी हम मर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा का बनने से पहले जो हमारे अंदर संस्कार थे वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जन्म ही हमारा ये दूसरा हो गया है, माना ईश्वरीय जन्म हम बच्चों को मिला है। तो बाबा कहते, पिछले जन्म की बातें अब खत्म हो जानी चाहिए, माना इस जन्म में बाबा का बनने से पहले पीछे जो भी बातें थी, जो भी संस्कार थे, वो सारे खत्म हो जाने चाहिए। उन संस्कारों को बाबा कहते याद भी नहीं करना चाहिए, पिछले संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे कि वो हमारे थे ही नहीं। लेकिन ये कब संभव हो पाएगा, जब हम मर जीवा बन जाएंगे, जीते जी यहाँ पर हम मरने का अभ्यास करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते, वो संस्कार पराए हैं, वो अपने नहीं हैं, अपने संस्कार तो हमारे आदि और अनादि हैं। तो जो पराई चीज है उसको तो बाबा कहते टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पराई चीज को अपना बनाते हैं तो बाबा कहते उनको क्या कहेंगे। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने बोली, हमें अपने पुराने संस्कारों से नफरत दिलाने के लिए बाबा कहते, उन पुराने संस्कारों को अगर आप अपना बनाते हो तो उन बच्चों को क्या कहेंगे, चोर। तो बाबा कहते, ये चोरी क्यों करते हो, बाबा ने चोर का टाइटल दे दिया, सोचो। तो पुराने संस्कारों को यूज करके हम चोरी क्यों करते हैं, माना जो चीज हमारी अपनी नहीं है वो तो रावण की है ना, पुराने संस्कार वो रावण की देन है, तो उसको यूज करके उसको अपना बना करके हम चोरी क्यों करें। और वैसे भी बाबा कहते, जैसे किसी गंदी चीज को छूते नहीं है तो ऐसे ही पुराने संस्कारों को भी छूना नहीं है, माना उससे बच करके रहना है। तो इस तरीके से हम अपने पुराने संस्कारों का परिवर्तन कर सकेंगे, समाप्त कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।